बात करें यहाँ मौसम की, तो बाघों के शहर में आज मतला जुजवी तौर पर अबरलूद रहेगा। सूरज और बादलों की सबकत ले जाने की जंग भी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के वक्त दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बाग़ जिना में मौजूद हूँ। अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो सर्दी की शिदत में दिन ब दिन इजाफा ही होने में दिख रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा शहर का दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान हैं। सूरज और बादलों के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा जबकि हवा में नमी का तनासब जो है वो तकरीबन 50% के करीब बताया जा रहा है और हवा की रफ़्तार 10 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से बताई जा रही है। अभी भी सुबह सुबह के टाइम है और काफ़ी ज़्यादा शहरियों की तादाद यहाँ पे जॉगिंग करती, योगा करती नज़र आ रही है, जिनमें ख़ास तौर पे शहरी जो सीनियर सिटीजन हैं वो भी शामिल हैं। इसी तरह मेरे साथ एक सीनियर सिटीज़न मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि कब से जो है यहाँ पर आ रहे हैं और जो आप जॉगिंग कर रहे हैं। मैं तकरीबन यहाँ पर बागजना 40 साल से आ रहा हूँ और अल्लाह की मेहरबान से तंदुरुस्त हूँ, सेहतमंद हूँ, जवानों से अच्छा हूँ। लेकिन हर मुसलमान को सुबह उठकर नमाज पढ़ कर जॉगिंग करनी चाहिए, हवा ताज़ा हवा खानी चाहिए ताकि सेहत तंदुरुस्ती रहे। जी बिल्कुल, हमारी बात हो रही थी, एक सीनियर सिटीज़न हमारे साथ मौजूद थे जो यहाँ पे जॉगिंग करने आए। इन्होंने बताया कि हर जो शहरी है उसको सुबह उठ के ताज़ी हवा खानी चाहिए और जो जॉगिंग है वो ज़रूर करनी चाहिए ताकि वो भी तंदुरुस्त रहें। जी।